Good morning, students. I am your teacher Anil sir, and today we are going to read about the rest of the prepositions which we have started. So, students, today we are going to read about the prepositions into, up, under, with, within, for, since, and of. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आज हम लोग एट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे और इस एट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ने के हम लोग प्रीपोजिशंस चैप्टर को एंड करेंगे आज. ओके, सो स्टूडेंट्स लुक वेरी केयरफुली इन द वीडियो. एज यू कैन सी दैट द यूसेज ऑफ ऑल द प्रीपोजिशंस हैव बीन गिवन. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ इनटू. इनटू का यूसेज पहले हम लोग ठीक से समझते हैं. सबसे पहले इनटू का यूसेज देखो स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट और चेंज इन कंडीशन और रिजल्ट. मूवमेंट, किसी भी प्रकार का मूवमेंट शो करने के लिए जो है इनटू का इस्तेमाल होता है, और साथ साथ कोई भी दिशा बदलने के लिए या किसी का कोई भी रिजल्ट बदलने के लिए जो है इनटू का इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब आप ध्यान से इनका मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो. जैसे मूवमेंट का अगर हम कोई एग्जाम्पल दें तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है into the forest. ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिखा कि वो जंगल के अंदर जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जा रहा है. He is showing some kind of movement. तो जब movement show होता है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग बोलते हैं into, use करते हैं. और change in direction या change in condition या result अगर बात करें, अगर किसी का result बदल रहा हो, किसी चीज का नतीजा अगर बदल रहा हो, किसी चीज की स्थिति बदल रही हो, तो भी हम लोग वहां इनटू का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, द फेरी चेंज्ड हरसेल्फ इनटू ए प्रिंसेस. मैंने एग्जाम्पल दिया कि ए फेरी चेंजेस हरसेल्फ इनटू ए प्रिंसेस. एक जो है परी ने अपने आप को एक राजकुमारी के रूप में बदल दिया. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इनटू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, आल्सो इनटू इज यूज्ड फॉर शोइंग सम काइंड ऑफ चेंज इन द रिजल्ट और सम काइंड ऑफ चेंज इन द कंडीशन. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अप टू. अब हम लोग अप टू की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अप टू जो है प्रीपोजिशंस, सॉरी अप, अब प्रीपोजिशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. आप प्रीपोजिशन को ध्यान से समझने की कोशिश करो. इट इज यूज्ड मेनली इन टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस. द फर्स्ट इज गोइंग हायर पोजीशन. जब हम लोग कहीं थोड़ा ऊपर जाते हैं, मतलब हायर पोजीशन में जाते हैं, तब वी यूज अप. आल्सो वी यूज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर. पानी का डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर हम शो करना चाहें तो भी हम लोग अप, मतलब जो पानी का फ्लो है उसके अगेंस्ट में अगर कोई मतलब बोट, स्टीमर, शिप या कोई इंसान तैयार करके अगर स्ट्रीम के फ्लो के अगेंस्ट में आता है तो हम लोग उसके लिए अप का इस्तेमाल करते हैं. और साथ साथ हम लोग अप का इस्तेमाल जो है वो हायर डायरेक्शन में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर लैब इज सिचुएटेड अप ऑफ दिस फ्लो. ठीक है, तो कंप्यूटर लैब जो है या वो किसी हायर पोजिशन में लोकेटेड है. ठीक है, तो हायर पोजिशन को शो करने के लिए हम लोग आपका इस्तेमाल करते हैं. और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर के लिए एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि रोहित is swimming up the stream. इस सेंटेंस का मतलब होगा कि रोहित जो है वो पानी के बहाव के ऑपोजिट में तैर रहा है या तैरने की कोशिश कर रहा है. तो अप मीन्स ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वाटर, एंड ऑब्वियसली अप का मतलब ऊपर भी होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अंडर. अब हम लोग अंडर प्रीपोजिशन की तरफ
आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अंडर प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि देयर आर मेनली फोर यूसेज ऑफ द प्रीपोजिशन अंडर। अंडर प्रीपोजिशन के चार यूसेज आप जो है ग्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हो। द फर्स्ट यूसेज इज इट इंडिकेट बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, किसी भी सरफेस के नीचे की स्थिति को बताने के लिए अंडर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल राज इज हाइडिंग अंडर द ब्लैंकेट या राज इज हाइडिंग अंडर द बेड। तो किसी भी सरफेस के नीचे की स्थिति, चाहे वो सरफेस कोई सॉलिड भी हो सकता है, वो सरफेस कोई कोई क्लोथ भी हो सकता है, कोई सॉलिड चीज भी हो सकता है, ठीक, अंडर द वाटर भी हो सकता है, किसी भी वस्तु के नीचे वाली स्थिति को बताने के लिए अंडर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला अंडर का यूसेज ये है। दूसरा अंडर का यूसेज है शो सिचुएशन, ये किसी प्रकार के सिचुएशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अंडर प्रेशर, वो बहुत प्रेशर के नीचे है या वो बहुत प्रेशर में है। ही इज अंडर प्रेशर का मतलब वो बहुत प्रेशर में है। शो रैंक, ये रैंक शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हवलदार इज अंडर द इंस्पेक्टर, हवलदार के जो पोस्ट है वो पुलिस इंस्पेक्टर के अंडर में होती है, तो ये रैंक भी शो करता है। अंडर वर्ड बिलो ऑब्वियसली शो करता है। और कंपेयरिंग टू लेस, किसी चीज के साथ अगर कंपेयर करना हो और किसी एक वस्तु को दूसरे से कम दिखानी हो तो भी हम लोग अंडर का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट यूसेज ऑफ अंडर। ठीक, यहां पर थोड़ी सी स्पेस की कमी के कारण मैंने जो है एग्जांपल्स लिखे नहीं है, बट आई हैव टोल्ड यू वर्बली। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रीपोजिशन विथ। अब हम लोग विथ प्रीपोजिशन पे जाते हैं। विथ प्रीपोजिशन के द्वारा आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि इट इंडिकेट एट द सेम टाइम में कोई घटना घट रही है एक से ज्यादा, तो वो बताने के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। शो रिलेशन, किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति का संबंध बताने के लिए भी विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। सेंस ऑफ हैविंग, कोई चीज आपके पास है मींस आपको बिलोंग करती है, ये बताने के लिए भी विथ का इस्तेमाल होता है। और सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ, किसी चीज के कारणवश दूसरी घटना का होना मींस फॉर द रीजन ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए कारण अगर कोई हो, कोई कारण बताने के लिए, कोई रीजन बताने के लिए भी हम लोग विथ का इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिकेट एट द सेम टाइम, एक समय साबित करने के लिए, बताने के लिए विथ का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका। फॉर एग्जाम्पल राज इज प्लेइंग चेस विथ वॉचिंग टीवी। राज चेस भी खेल रहा है और टीवी भी देख रहा है। राज इज वॉचिंग टीवी विथ प्लेइंग चेस। राज टीवी भी देख रहा है और चेस भी खेल रहा है। ऐसा हो सकता है एक साथ दो काम किए जा सकते हैं। तो एट द सेम टाइम जब दो काम किए जाते हैं तो उसके साथ विथ का इस्तेमाल होता है। दूसरा जो पॉइंट है उसे है शो रिलेशन। इसका एग्जाम्पल देखो आप, शो रिलेशन का एग्जाम्पल हुआ कि ही हैज द ब्लड रिलेशन विद राहुल। राहुल के साथ उसका ब्लड रिलेशन है, मतलब वो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड है, तो रिलेशन शो करता है। सेंस ऑफ हैविंग, कोई चीज होना। ठीक है, आई हैव केम हियर विद माय गैजेट्स, मैं यहां पर अपने गैजेट्स के साथ आया हूं। तो विद जो है हैविंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ पोजिशन शो करता है। और फोर्थ पॉइंट है सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ, किसी भी काम को करने का रीजन बताने के लिए भी जो है विद का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल सी द पेशेंट डाइड विद निमोनिया। द पेशेंट डाइड विद निमोनिया, पेशेंट की मौत निमोनिया के कारण हुई, तो बिकॉज ऑफ इसका मतलब। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स विदिन। विदिन का स्टूडेंट्स एक ही यूज है, विदिन का एक ही यूज है, इंडिकेट लेस देन। समय के मामले में ये लेस देन इंडिकेट करता है, समय के मामले में ये लेस देन इंडिकेट करता है विदिन। अब एग्जाम्पल देख लो आप बोल सकते हो कि यू शुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन वन डे, आपको एक दिन के अंदर या मैक्सिमम विद इन टू डेज आपको ये प्रोजेक्ट करना है।
कोई सेंटेंस बोला गया एक दो दिन के अंदर, यू शुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन टू डेज, दो दिन के अंदर आपको प्रोजेक्ट करना है, तो दो दिन का जो एक टाइम है वो स्टिपुलेटेड टाइम है, मीन्स आपको दिया हुआ टाइम है, तो दिस टाइम हैज बीन गिवन टू यू, दिस टाइम हैज बीन अलॉटेड टू यू एंड यू हैज बीन क्या बोलते हैं गिवन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ टाइम, कोई फिक्स्ड पोर्शन ऑफ टाइम आपको दिया गया है, ये दिखाने के लिए विदिन का इस्तेमाल होता है, मतलब लेस देन किसी काम को किसी समय के अंदर करना, टाइम लिमिट बताना, तब विदिन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया यू शुड कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन टू डेज, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर द यूसेज ऑफ फॉर, फॉर का यूसेज हम लोग समझने के लिए अब आगे बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फॉर का यूसेज की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि फॉर के लिए यहां पर चार यूसेज बताए गए, ठीक है। तो फॉर, सिंस और ऑफ, इन यूसेज को पढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको मैं जो हमारे, ठीक है, 28 तारीख को जो रिजल्ट निकला था 10th का, उसके बारे में थोड़ी सी बता दूं आपको। ऑब्वियसली यू विल फील वेरी गुड दैट योर सीनियर स्टूडेंट्स हैज रैंक वेरी गुड इन द मेरिट ऑफ रतनगढ़ में हमारे स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको इसमें इससे कुछ सीखने को मिले। हमारे स्कूल से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मिलाकर के हमारे स्कूल से 94.17% हाईएस्ट परसेंटेज उठा है क्लास 10th, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, और उसके बाद जो है 92.5% मैक्सिमम उठा है हमारे इंग्लिश मीडियम से। हमारे इंग्लिश मीडियम में की एक लड़की ने जो है 92.5% लाया, और ऐसे करके मीन्स 93 की कैटेगरी में दो तीन बच्चे हैं, फिर 92 की कैटेगरी में भी एक से ज़्यादा बच्चे हैं, और उसके बाद फिर 92 पर कई बच्चे हैं। तो हाईएस्ट जो परसेंटेज हमारे क्लास 10th का आया है अब की साल, वो मोर देन 94% प्लस, जो कि पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट है। पिछले साल जो भी रिजल्ट हुआ था, जो भी टॉपर था उसका जो मार्क्स था, उससे ज़्यादा मार्क्स इस बार के टॉपर ने लाया। सो जैसा कि मैं आपको दो दिन के पहले की वीडियो में भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा था, मुझे अच्छा लगता है इस प्रकार की चर्चा करना कि जो स्टूडेंट्स अच्छा नंबर लाते हैं, मैं उनके बारे में जब बात करता हूँ या उनको उनके बारे में कुछ बोलता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट शोज द डेडिकेशन ऑफ दो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की डेडिकेशन शो करता है। और किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि आप जो काम भी करो, वो काम अगर आप दिल से करते हो, मन से करते हो, तो फिर हर काम आपके लिए आसान होगा और उस काम में आपको हार नहीं मिल सकती। हार क्यों मिलती है? क्योंकि हम लोग कोई भी काम को आधे अधूरे मन से करते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी होगी, हमें एफर्ट्स लगाने होंगे कि अगर किसी सब्जेक्ट में हमें कम इंटरेस्ट भी है पढ़ाई में, तो हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगा करके उसमें मन लगाना है। जिस काम को भी हम लोग मन लगा के करेंगे वो काम हमारा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा होता है, मैंने ये मेरा क्लासरूम में एक्सपीरियंस है कि जिस बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट वीक है, बच्चा उस सब्जेक्ट में कम से कम रुचि दिखाता है, तो स्टूडेंट्स वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बनाने का नाम जिंदगी है, वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बनाने का जो प्रोसेस है वही हमें हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं